मेरा नाम है मेघा, स्वागत करती हूँ आप सभी का राधे राधे और देख रहे हैं आप मेरे साथ वैदिक टीवी। आज इस वीडियो में बात होगी श्राद्ध की, कब से शुरू हो रहे हैं श्राद्ध, इससे जुड़ी कुछ विशेष बातें। हिंदू धर्म में पितरों की आत्मा की शांति के लिए पितृपक्ष का समय बहुत ही विशेष है। पितृपक्ष के इन 16 दिनों में श्राद्ध कर्म होते हैं, साथ ही वंशज अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध कर्म करते हैं, जैसे पिंडदान, तर्पण। कुंडली में पितृदोष हो तो उसका भी निजात पाने के लिए पितृपक्ष का समय सबसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ होता है। आज आपको बताते हैं 2023 में श्राद्ध कब से शुरू हो रहे हैं और ये कब तक चलेंगे। इस बार 15 दिन देरी से शुरू होगा पितृपक्ष। 2023 में पितृपक्ष 29 सितंबर से शुरू होगा, 15 दिन बाद 14 अक्टूबर को ये समाप्त हो जाएंगे। पितृपक्ष भाद्रपद महीने की पूर्णिमा से शुरू होते हैं और आश्विन महीने की अमावस्या तक चलते हैं। इसे सर्व पितृ अमावस्या भी कहा जाता है। जिनके पूर्वजों की निधन की तिथि नहीं पता होती वो लोग सर्व पितृ अमावस्या के दिन उनका श्राद्ध कर्म कर सकते हैं। और इस साल सावन महीने में अधिक मास है, इस वजह से सावन और उसके बाद के सभी व्रत त्योहार 12 से 15 दिन देरी से पड़ेंगे। आमतौर पर पितृपक्ष सितंबर में समाप्त हो जाते हैं, लेकिन इस साल ये सितंबर से शुरू होंगे और अक्टूबर के बीच तक चलेंगे। चलिए आपको बता देते हैं कब कब है श्राद्ध की तिथि। पूर्णिमा का श्राद्ध 29 सितंबर, प्रतिपदा का श्राद्ध 29 सितंबर, द्वितीय श्राद्ध 30 सितंबर को होगा, तृतीय श्राद्ध 1 अक्टूबर को, चतुर्थी का श्राद्ध 2 अक्टूबर और 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की जयंती भी है, पंचमी का श्राद्ध 3 अक्टूबर को होगा, षष्ठी का श्राद्ध 4 अक्टूबर, सप्तमी का श्राद्ध 5 अक्टूबर, अष्टमी का श्राद्ध 6 अक्टूबर, 7 अक्टूबर को नौमी का श्राद्ध होगा, दशमी का श्राद्ध 8 अक्टूबर को, एकादशी का श्राद्ध 9 अक्टूबर को, मघा श्राद्ध रहेगा 10 अक्टूबर को, द्वादशी का श्राद्ध 11 अक्टूबर, 12 अक्टूबर को होगा त्रयोदशी का श्राद्ध, चतुर्दशी श्राद्ध 13 अक्टूबर को मनाया जाएगा, साथ ही 14 अक्टूबर को होगी सर्व पितृ मोक्ष अमावस्या। और यही वो अमावस्या है जिस दिन आप अपने पूर्वजों का श्राद्ध कर्म कर सकते हैं। ये जानकारी अब तक विभिन्न आलेखों द्वारा पहुंचाई गई है। वीडियो में बताई गई बातों की सत्यता की पुष्टि वैदिक टीवी नहीं करता।